तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके का वीडियो बना सकते हो। बड़े काइन मास्टर से बना लिया है तो फ्रेंड्स काइन मास्टर आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ये पीएनजी पिक्सल लैब से मैंने क्रिएट कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपको काइन मास्टर ओपन करना है, प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है, 16:9 रेशियो लेना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद सेटिंग में आना है, यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद एडिटिंग में आना है। तो फ्रेंड्स एडिटिंग में आने के बाद आपको ऊपर डिफॉल्ट ड्यूरेशन 8 और डिफॉल्ट ड्यूरेशन लेयर 8 करना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको एक बैकग्राउंड लेना है, यह बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लेंथ बढ़ा नहीं है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसकी लेंथ आपको 54 करनी है कुछ इस तरीके। तो फ्रेंड्स उसके बाद एडजस्टमेंट में जाना है। तो फ्रेंड्स आपको एडजस्टमेंट में आपको सेट करना है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स एडजस्टमेंट सेट करने के बाद फ्रेंड्स आपको राइट क्लिक करना है कुछ इस तरीके से, मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको राइट क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद लेयर में जाना है। तो फ्रेंड्स लेयर में जाने के बाद आपको एक पीएनजी ऐड करना है, पीएनजी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते। तो फ्रेंड्स इस पीएनजी को आपको यहाँ पर सेट करना है कुछ इस तरीके से। सेट करने के बाद आपको एक इफेक्ट लगाना है, एंटर स्लाइड डाउन वाला इफेक्ट लगाना है, उसका ड्यूरेशन 2.5 रखना है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पर 1 मिनट पर आपको लेयर में जाना है। तो फ्रेंड्स लेयर में जाने के बाद आपको और एक पेंज ऐड किया, पेंज जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आपको यहाँ पर सेट करना है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है। और आपको गणपति का जो आपने पीएनजी, तो फ्रेंड्स इसका इन एनिमेशन में आपको फेड वाला इफेक्ट लगाना है 2.5 ड्यूरेशन। और आपको गणपति का आपको जो पीएनजी रखा था उसके हिसाब से आपको उसको इसको भी आपको कट करना है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपने वीडियो बना ले। तो फ्रेंड्स उसके बाद आगे आपको इस पीएनजी आपको ऐड करना है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स उसके बाद राइट क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको थोड़ा जगह रखने के बाद तो फ्रेंड्स आपको और एक पीएनजी ऐड करना है। तो फ्रेंड्स यह पीएनजी आपको ऐड करना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स आपको राइट क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद लेयर में जाना है। तो फ्रेंड्स लेयर में जाने के बाद आपको मेल का पीएनजी ऐड करना है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स उसके बाद लेयर में जाना है, वापस फीमेल का पीएनजी ऐड करना है। तो फ्रेंड्स यह पीएनजी मैंने पिक्सल लैब से बना लिया है। तो फ्रेंड्स आप भी बना सकते हैं। वापस लेयर में जाना है। तो फ्रेंड्स लेयर में जाने के बाद आपको यह लास्ट वाला पीएनजी ऐड करना है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो पीछे जो यह पार्ट रह गया उसको आपको कट करना है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते कुछ इस तरीके से हमने वीडियो बना लिया है। तो फ्रेंड्स जो आपने पार्ट लिया था उसको आपको फेड वाला इफेक्ट लगाना है कुछ इस तरीके। फेड वाला इफेक्ट लगाने के बाद टू ड्यूरेशन वाला टाइम लगाना है कुछ इस तरीके से। सबको आपको फेड वाला इफेक्ट इन एनिमेशन में जाके आपको फेड वाला इफेक्ट लगाना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद एक वीडियो एक्सपोर्टिंग करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो एक्सपोर्टिंग हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वीडियो एक्सपोर्टिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है, 16:9 रेशियो लेना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपने जो वीडियो एक्सपोर्टिंग किया है उसको आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आपको यह एनिमेशन जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ पर आपको स्प्लिट ऐड प्ले ऐड करना है कुछ इस तरीके से। आपको कटिंग करना है, जहाँ जहाँ से यह एनिमेशन ख़त्म होता है वहाँ से आपको कटिंग करना है कुछ इस तरीके से। मतलब जहाँ से पीएनजी ख़त्म होता है वहाँ से आपको स्प्लिट ऐड प्ले ऐड करना है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स मैं कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से आपको करना है स्प्लिट ऐड प्ले ऐड कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स आपको राइट क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आपको स्प्लिट ऐड हाईलाइट करना है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स उसके बाद प्लस का आइकॉन यहाँ पर जो प्लस का आइकॉन दिख रहा है वहाँ पर आपको आप जो भी एनिमेशन लगा सकते हैं आपके हिसाब से, आपको जो भी एनिमेशन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं फ़िलहाल यह एनिमेशन प्रेजेंटेशन में जाके यह वाला एनिमेशन सेट करता हूँ। तो फ्रेंड्स आपके हिसाब से आप जो भी एनिमेशन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी मर्ज़ी से आप जो भी एनिमेशन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स कौन सा भी आप एनिमेशन लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं यह एनिमेशन सेट करता हूँ कुछ इस तरीके से।
यहाँ पर भी मैं प्रेजेंटेशन का एनिमेशन सेट करता हूँ कुछ इस तरीके से लॉकडाउन का। तो फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स आपको राइट क्लिक करना, उसके बाद लेयर में जाना। तो फिर से लेयर में जाने के बाद आपको एक वीडियो ऐड करनी है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद स्क्रीन वाला ऑप्शन पर राइट क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको और एक वीडियो ऐड करनी है, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डाउनलोड कर सकते, उसको आपको ब्लेंडिंग में जाकर स्क्रीन वाला ऑप्शन पर राइट क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा वीडियो हो चुका है, कुछ इस तरीके से हमने वीडियो बना लिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इसी तरह से आपके लिए इस वीडियो लाता रहूँ।